बिग बॉस और सलमान खान से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हाँ, आप इस खबर को बुरी खबर भी कह सकते हैं, क्योंकि सलमान खान की तबीयत खराब हो चुकी है। दरअसल ऐसा माना जा रहा है, कई रिपोर्ट्स द्वारा दावा किया जा रहा है कि सलमान खान को हो गया है डेंगू, जिसकी वजह से वो अभी ठीक नहीं है। उनकी सेहत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और वो कुछ हफ्तों के लिए बिग बॉस सीजन 16 को होस्ट नहीं कर पाएंगे। ऐसे में अब सलमान खान को रिप्लेस करेंगे करण जौहर। यहां तक कि करण जौहर आज यानी कि वीकेंड का वार और कल के एपिसोड में भी आने वाले हैं बिग बॉस सीजन 16 के लिए। वही जब से सलमान खान के फैंस को पता चला है कि सलमान खान को हो गया है डेंगू, तब से ही फैंस लगातार सलमान खान के जल्द ठीक होने की दुआएं मांग रहे हैं। सलमान खान अचानक से डेंगू की चपेट में आ गए हैं और ये खबर फैंस के लिए बहुत बड़े सदमे वाली खबर है, क्योंकि सलमान खान इतना ज़्यादा फिट एंड फाइन थे, लेकिन अचानक से उन्हें डेंगू हो गया और इस खबर से फैंस को बड़ा झटका तो लगा ही है। हम आपको बताना चाहते हैं कि सलमान खान का अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, वो अस्पताल में भर्ती हैं और अभी उन्हें बार बार फीवर भी हो रहा है, लेकिन डॉक्टर्स सलमान खान का अच्छे से ख्याल कर रहे हैं, उनका ट्रीटमेंट अभी जारी है। बहरहाल ऐसे में हम सलमान खान के लिए यही दुआ करेंगे कि भाई जान जल्द से जल्द रिकवर हो जाए और अपने बिग बॉस सीजन 16 को होस्ट करने के लिए वापस लौट आए। इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तमाम अपडेट्स के लिए गॉसिप टाउन।